चाचा का 50th एनिवर्सरी कुछ भी नहीं, मैं सीधा बोलूं। और ये चीज देखो, केक के जरिए, ये इनकी भावनाओं के जरिए, और ये उनकी पोती के जरिए। तो सुनो सुनो, पोती ने लिखा है एक पत्र जिसमें लिखा है छुपा है उनका खुशी का मंत्र। तो विधि का पत्र, विधि की जुबानी बताए कि दादा दादी की प्रेम कहानी। जय श्री कृष्णा दादी दादा, प्रणाम बोला जाता है। और मेरे से तो ये हर रोज देखा भी जाता है कि दादी दादा की ममता और प्यार है जीवन की शान और बहार। आप दोनों का प्यार एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत अच्छा लगता है। दादा को तो मानना पड़ता है जो तरीके से आपको पटाते हैं जब आप गुस्सा हो जाते हो। और उससे भी ज़्यादा मज़ा तब आता है जब दादा आपको चिढ़ाते हैं और आप मन के मन में मुस्कुराते हो। दादी ने कुछ बोला लाने, उस दिन वो चीज़ घर पर आ जाती है। दादा खुद जाकर वह चीज़ लेकर आएंगे, भले ही कैसा भी मौसम हो और कैसी भी दादा की तबीयत हो। दादा से सारे शादीशुदा जोड़ीदार तो सीखना पड़ेगा कि कैसे अपने बीवी की तारीफ करना पड़ता है, और कैसे तारीफ करना जब वह कुछ बनाती है या बहुत अच्छा कुछ लिखती है या दिखती है। मतलब आप यह चीज़ को साबित करते हो कि लव हैज नो एज। दादी और दादा, आप लोग के साथ मैंने 14 साल बिताए हैं। यह 14 साल आप लोग के साथ बहुत सारे यादें बनाए हैं और ऐसे ही बनाते जाएंगे। जैसे अपन इतने दिनों से पत्ते खेलते आ रहे हैं, और कैसे दादी चिढ़ जाती थी जब मैं या दादा बिना चीटिंग करे जीत जाते थे। लेकिन यही तो यादें हैं ना दादी, जब आप गुस्सा हो जाते थे और दादा फिर सीरियस होकर खेलते थे। चलो तो आज ये चीज़ बोल ही देती हूँ, दादी का काम इज इक्वल टू दादा का 50% कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे दादी को दवाई खाना है तो दवाई का डब्बा दादा ला के देंगे। दादी को घूमने जाना है, सूटकेस दादा जमाएंगे। दादी को कुछ के लिए बस इतना ही, सॉरी अगर जाने अनजाने में कुछ गलती हुई हो, एंड थैंक यू।